दोस्तों हमारे देश में सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है यूपीएससी की, और यूपीएससी की परीक्षा पास करके लोग बनते हैं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे अधिकारी। जैसा कि आप जानते हैं कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति ही सिर्फ इसलिए की जाती है कि वह समाज में लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा जन कल्याणकारी कार्यों और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुँचा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी अधिकारी को ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती होगी? आइए जानते हैं। यह कहानी है महाराष्ट्र के आईएएस ऑफिसर सर तुकाराम मुंडे की, जिनका 17 साल की सर्विस में 20 से ज्यादा बार ट्रांसफर हो चुका है। अब ट्रांसफर क्यों हुआ है, आइए वजह भी जान लेते हैं। वैसे तो यूपीएससी द्वारा चयनित अधिकारियों की पोस्टिंग के बाद उन्हें 2 से 3 साल काम करने का मौका उस जगह पर मिलता है, लेकिन ईमानदारी से काम करने का नतीजा क्या हो सकता है, यह आपको तुकाराम मुंडे की कहानी से पता चलेगा। अब इनके बार बार ट्रांसफर होने की वजह भी जान लीजिए। तुकाराम मुंडे ने अपनी पहली पोस्टिंग के तीसरे ही दिन एक इनलीगल बार पर रेड मारी, जिसके मालिक थे वहां के रूलिंग पार्टी के धाकड़ नेता, जिसके बाद इस कार्यवाही के तुरंत बाद उनका ट्रांसफर करा दिया गया। साल 2007 में उन्होंने इनलीगल निर्माण का डिमोलिशन किया, जिसका नतीजा यह रहा कि वहां की सड़कें जो कभी पहले 2 मीटर तक ही चौड़ी हुआ करती थी, वह अब 6 मीटर तक चौड़ी हो गई और लोगों का आवागमन सुगम रूप से चलने लगा। तुकाराम सर को अपने ऐसे ही कामों की भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। इसके बाद उन्होंने रेत माफियाओं पर कार्यवाही की, जिसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिली, लेकिन तुकाराम मुंडे नहीं रुके और ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहे, और इसका नतीजा यह रहा कि एक बार फिर उनका ट्रांसफर करा दिया गया। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि माफियाओं व सरकारों के संबंधों की डोर कितनी गहरी होती है। साल 2012 में तुकाराम मुंडे का ट्रांसफर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में जॉइंट कमिश्नर के पद पर हुआ। उनके यहां आने से लगभग 500 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी की गई। तुकाराम मुंडे ने सोलापुर में सूखे से निजात पाने के लिए भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। जब उनकी पोस्टिंग नवी मुंबई में थी, तब उन्होंने वॉक विद कमिश्नर नामक अभियान चलाया, जिसे पब्लिक का जबरदस्त रिस्पांस मिला। वॉक विद कमिश्नर अभियान में सर के साथ वॉक पर चलते चलते अपनी समस्या बतानी होती थी, जिसका सर द्वारा 100% निवारण 24 घंटे के अंदर किया जाता था। अब जान लीजिए कि यह हाल है हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी का। दरअसल सरकारें चाहती ही नहीं कि अपराधियों व माफियाओं पर कार्यवाही हो। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हर जगह भ्रष्ट सिर्फ अधिकारी ही नहीं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली सरकारें भी भ्रष्ट हैं। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि अधिकारियों को किन किन तरह के दबावों का सामना करना पड़ता है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट में हमें जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।